जय माता दी। मदन अग्रवाल जम्मू वाले, नेचुरल वेजिटेबल थेरेपी। हम मंदिरों के शहर में रहते हैं, जम्मू के वासी हैं, भारत वर्ष हमारी धरती है। हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप मेरे वीडियो जरूर देखें। हमारे वीडियो देखने से आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा कि आप सोचोगे कि बिगर लालच के कैसा एक इंसान है। क्योंकि मैं मनुष्य को जीना सिखाता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में शुगर के बारे में बताया था, पर आज मैं आपको एक और शुगर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है। आप मेरी बातें गौर से सुनना, मदन अग्रवाल जी की बातें गौर से सुनना। इनको 50 साल का तजर्बा है, 70 से 72 साल हमारी उम्र है। आज भी हमें कोई माता रानी की इतनी कृपा, कोई बीमारी नहीं है। अगर कहीं कुछ हो जाए तो कोशिश करते हैं कि बिगर दवाई के ठीक हो जाए। आज भी हम छोटी सी दुकानदारी करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, थकते नहीं हैं। जो लोग हमें आके बैठ के मिलते हैं, कहते हैं अग्रवाल जी वाह भाई वाह, कैसे लोहे के बने हो आप। बिल्कुल सादा भोजन खाता हूं, बिगर घी तेल के खाना खाता हूं, नमक आधा खाता हूं, मिर्च नहीं खाता हूं, मसाले नहीं खाता हूं, फ्रूट भर पेट खाता हूं। आम के सीजन में एक एक बार में 2-2 किलो आम खा जाता हूं। नेचुरल वेजिटेबल थेरेपी पे काम करते हैं। हमने आपको बहुत से वीडियो बताए, आपको कब्ज और कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया। अगर आपने उसको गौर पे देखा करा तो आपको आज पता होगा कि आपका पेट बिगर दवाई के खरा से साफ होता है। उसमें आपको मैंने सिर्फ पपीते का शेक बोला था। अगर आप लोगों को किसी को भी उसमें आपने किया है तो फायदा हुआ, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना। और कोई भी हम अगला वीडियो बनाएंगे और आपको उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। मदन अग्रवाल जी पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ नेचुरल पे काम करते हैं। साधु संतों के बीच में रहे हैं, फक्कड़ फकीरों के बीच में रहे हैं। आज आपको हम एक प्रैक्टिकल एक चीज और बताने जा रहे हैं। हम आपको बार बार कहते हैं मदन अग्रवाल जी का वो जो तेल है उसको जरूर इस्तेमाल करो, घर में कभी किसी को पेन और दर्द नहीं मिलेगी। उसके बाद दुनिया को बताओ कि जे अग्रवाल जी का क्या तजर्बा है, 50 साल का तजर्बा है, माता रानी का आशीर्वाद है। जिस किसी ने भी कभी जम्मू में मेरे को मिलना हो तो किसी जम्मू में आओगे, किसी से पूछ लेना, ऑटो में बैठ के, टैक्सी में बैठ के, होटल में, कि जम्मू में मदन अग्रवाल जी सब्जियों वाले कहां रहते हैं, कहां बैठते हैं, वो आपको हमारे पास छोड़ दे। पर आज जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, एक नई चीज बता रहा हूं, मेरे भाई बहन बंधु जिनों को भी शुगर की प्रॉब्लम है, मीठा तो उनको नहीं खाना, सैर भी उनको करनी है, पर एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन ये चीज मेरे कहने पे करोगे उस दिन पहले शुगर चेक करनी है। 3 जामुन या 4 जामुन सुबह खाली पेट खाने हैं, बिगर गुठली निकाले हुए चबा चबा के, और 4 जामुन खाने हैं 5 बजे बिगर गुठली निकाले हुए। और पहले दिन जिस दिन शुरू करोगे तो शुगर चेक करा लेना। जब अगले दिन जामुन खाओगे, जामुन की गुठली गर्मियों में होते हैं, आजकल तो लोग कहते हैं 12 महीने मिलते हैं, तो अगले दिन खाने से पहले शुगर चेक कराना, आपकी शुगर आधी रह जाएगी। देखो कमाल मदन अग्रवाल जी की बातों का। जामुन खरीद के लाने हैं, 4 गुठली समेत खाने हैं, 3 तो खाने ही खाने हैं, 4 खा लो तो और भी बढ़िया है। थोड़ा सा नमक भी लगा सकते हो। मदन अग्रवाल जी के तजर्बे का कमाल है सारा। हम आप भाई बहनों को बार बार कहते हैं कि हमें सुनो, हमारे वीडियो को देखो, YouTube पे डालो मदन अग्रवाल जी जम्मू वाले,
जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा, उतनी जल्दी आपको अगली चीज का बारे में पता लगेगा कि अगला वीडियो अग्रवाल जी किस चीज का दे रहे हैं। मेरे फोन नंबर चलते हैं इसमें, कोई चीज किसी ने पूछनी हो, किसी ने कोई बात करनी हो अग्रवाल जी से, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मेरा आपने कैंप लगाना हो, हम अपने खर्चे पे जाते हैं, सिर्फ 100 बंदे के, आपको उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, जब आपको हमारा टाइम मिलेगा हम आपके शहर में आएंगे, 100 लोगों का इलाज करेंगे और उनको बताएंगे, सिर्फ दर्दों का इलाज करेंगे, जिनके घुटने नहीं चलते उनको बताएंगे कैसे चलेंगे, जो मेरी माता बहनों भाई बद्दू जड़े खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, खेलने वाले खेल नहीं सकते, उनको इतनी दर्दें हैं। मैं आज आपको शुगर के बारे में बताया है, ये मेरे वीडियो देखो, ये कब्ज वाला वीडियो है, ये शुगर वाला तो कमाल का वीडियो है, 4 जामुन की गुठलियों समेत खानी है, अगले दिन फिर खाने हैं और अगले दिन शुगर चेक करना, पर ये मत सोचना कि मैंने जामुन की गुठली बता दी है तो आप मीठा भी खाएं और सैर भी ना करें। ये मदन अग्रवाल जी का 50 साल का तजर्बा है, ये नेचुरल चीजें मैं बताता हूं। मैंने पिछले 25, 30, 40 साल से लोगों की बहुत सेवा की है, मैंने पिछले थोड़े सालों से ये काम छोड़ दिया था, बूढ़ा हो गया था। अब फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अग्रवाल जी यार समाज की सेवा करते थे, करो, तो मैंने कुछ लोगों का पे विश्वास करके फिर शुरू किया। आप मेरे को सुनो, आपको आनंद आएगा, किसी का भला करोगे तो मनुष्य जीवन में काम आएगा। ये किसी ने नहीं देखा कि मनुष्य जीवन में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। हम इस भारत वर्ष में रहते हैं जहां हर चीज मिलती है, हर चीज आपको मिलेगी, क्योंकि आज मैंने आपको जो शुगर की एक ही चीज है, कुछ नहीं करना, लाना और खाना है, लाना और खाना है, कहना 5 पैसे 10 पैसे अठन्नी का काम 1 रुपए का। और कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में मेरा दर्दों का जो लोग सबसे ज्यादा परेशान है, तो अग्रवाल जी को कभी भी याद कर लेना, आएंगे हम किसी संस्था के थ्रू और 100 बंदे का काम देखेंगे और एक दिन का ही सिर्फ हमारा टूर होता है, अपने खर्चे में रुकेंगे, अपने खर्चे में ठहरेंगे, अपना खाना खाएंगे, आपसे किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लेंगे। जय माता।